हुआ हो तो परिस्थितियां कभी बाधक नहीं बनती हैं। इसका सफल उदाहरण है देश के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के परोख गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले श्री रामनाथ कोविंद की राह आसान नहीं रही। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और स्कूल जाने के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। चुनौतियां मुश्किल थी और राह भी कठिन, लेकिन संकल्प संघर्ष से कब हारा है। श्री रामनाथ कोविंद ने लगभग 20 वर्षों तक दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। 1994 से 2006 तक लगातार 2 बार आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रहे। 2002 में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। 2015 में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आपको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद 25 जुलाई 2017 का वो स्वर्णिम दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ जब श्री रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बने। सादगी भरा जीवन, विनम्र व्यक्तित्व और मिलनसार स्वभाव जैसे गुणों के कारण आपकी छवि जनता के राष्ट्रपति की है। भारत माँ की रक्षा में लगे वीर सैनिकों के अनूठे जज्बे को सलाम करने श्री रामनाथ कोविंद दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्रों में से एक सियाचिन जाने वाले पिछले 14 वर्षों में पहले राष्ट्रपति बने। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश को एहसास है कि रायसीना हिल्स में एक राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा उनका अपना अभिभावक रहता है जो उनके लिए एक प्रेरणा